हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। इस रिश्ते को लेकर ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। आप मैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी राशियों के लिए होगी। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, रीडिंग देखने के टाइम पर भी नहीं, रीडिंग देखने के बाद भी नहीं। ओके, आर्कैंजल माइकल, आर्कैंजल गैब्रियल, आर्कैंजल यूरियल, आर्कैंजल चैमोल, आर्कैंजल मैट्रन, प्लीज हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। सो नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए और जो मैरिड हैं जल्दी ही एक साथ रहने लगे, सिंगल के उनके पार्टनर से शादी हो जाए, जो भी बीमार है ऊपर वालों सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे, नेगेटिविटी आप सभी की लाइफ से दूर हो जाए और थर्ड पार्टी हमेशा आप सभी की लाइफ में से दूर हो जाए। द फूल की कार्ड आई है हमारे पास। ओके ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, स्पिरिट में डिवाइनली गाइड कीजिएगा उसके पार्टनर की करंट एनर्जी। और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, एस ऑफ सॉर्ड्स। जस्टिस, थ्री ऑफ वांड्स, द एम्परर। ओप्स, देखिए, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गुस्से वाली एनर्जी से निकलकर आपके पार्टनर प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हैं। आपके बिना बड़े ज़्यादा ही उदास हैं, बॉटम में हैं। द डेविल, डेथ, एट ऑफ, नाइन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सही है। डेविल की एनर्जी में आप दोनों को दूर नहीं कर सके, क्यों, ये बात का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है। डेविल एंड हो जाएगा। ओके, डेविल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। द फूल, गाइस, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक इशू नहीं होगा, और आपके पार्टनर घबरा रहे होंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, आपको कमिटमेंट देने से, तो उन्होंने पीछे कदम ले लिया। और उनके सबसे बड़ा जो एक रीज़न था, उनकी लाइफ में एक कार्मिक पर्सन था, जो कोई मेल फिगर भी हो सकता है, हालांकि कोई फीमेल भी हो सकती हैं, उनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन था, जिसकी वजह से उनके वो बहुत ज़्यादा एक्शन लेने से डरते थे, घबराते थे, उन्हें लगता था क्या होगा। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगा कि भाई मैं अगर एक्शन लेता हूँ, ये लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है इस रिश्ते में, आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन अब आपके पार्टनर इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बहुत जल्दी
निकल रहे हैं, क्योंकि ये है एक कार्मिक रिश्ता, एक कार्मिक पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसका एंड हो रहा है, और आप दोनों के जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं वो सारे निकल रहे हैं, वो सारे हट रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। ओके, आप दोनों के मिलने का समय नज़दीक आ रहा है। अगर आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगा था और ये कमिटमेंट देने की वजह से आपके पार्टनर डरते थे, एक्शन लेने की वजह से किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में थे, तो आपके पार्टनर सही टाइम पर आपके लिए इस एनर्जी से निकलकर एक्शन लेंगे और कमिटमेंट ज़रूर देंगे आपको। ठीक है, कमिटमेंट तो मिलेगा ही, साथ में यहाँ पर आपके साथ होगा जस्टिस। आपके पार्टनर की एनर्जी यही है कि उन्हें भी अब जस्टिस चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इस कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। वो बहुत समय से वेट कर रहे हैं इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलकर आपके साथ रिश्ता शुरू करने के लिए, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। रीज़न्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक रीज़न है ये कंट्रोलिंग पर्सन, जो आपके पार्टनर को आप तक पहुंचने में या आपको कमिटमेंट देने में इशू क्रिएट कर रहा है। फाइनली आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, गॉड जस्टिस करेंगे। जस्टिस क्या होगा, आप दोनों एक हो जाएंगे। जब आप दोनों का रिश्ता इतनी दूर तक जाएगा, जो कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को आगे लेकर जाया जाए, सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, अब आपको छोड़ना नहीं चाहते, भले से वो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दें या पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी, तब भी वो आपको अब नहीं छोड़ेंगे। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, उन्हें हमेशा पावर में रहना पसंद है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ सही और बाकी सब गलत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये एनर्जीज़ काम आ रही हैं। क्यों काम आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने इसी पावर में रहकर, इसी ईगो में रहकर, दूसरों को ये ईगो दिखाकर आपके साथ शादी करने का फैसला लिया है। आप मैरिड हैं तो आपके साथ रहने का, आपके साथ वापस ये फैमिली शुरू करने का फैसला आपके पार्टनर ने लिया है। आपके दो बच्चे भी थे या एक था, या रिसेंटली शादी हुई थी लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया रिश्ता, दूर हो गए आप दोनों, तो आपके पार्टनर ना अब इस गुस्से में सभी से कह देंगे कि मुझे मेरे पार्टनर के पास रहना है, मुझे मेरा घर बनाना है, मुझे मेरी गृहस्थी बनानी है। और सिंगल है ना, तो यही एटीट्यूड जो उनका है, उसी के रहते वो आपके साथ शादी करने का डिसीजन लेंगे। आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस एनर्जी में आ जाएंगे आप, क्योंकि वो शुरुआत तो करना ही चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते की। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उनके चारों तरफ जो नेगेटिविटी थी वो हट जाएगी या हट चुकी है आप दोनों के इस रिश्ते में, और आपके पार्टनर बहुत ठहराव देंगे इस रिश्ते में। अब आप दोनों के बीच में जो भी आएगा आपके पार्टनर, उस सभी से दूरी बना लेंगे। क्यों, क्योंकि वो इस बर्डन की एनर्जी में काफ़ी, मुझे लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके पार्टनर के ऊपर, लेकिन उन्होंने अगर आपको बहुत बुरा भला कह दिया था तो वो भी उनको एक बर्डन की तरह लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर दिया, शादी का कमिटमेंट देके आपको नहीं किया, शादी या शादी करने के बाद में वो ऐसे कैसे बिहेव, किस तरह से बिहेव कर सकते हैं कि आपको अलग कर दें, तो वो इस बर्डन में भी हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर हम मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। जस्टिस तो होगा गाइस आप लोगों के साथ में। हाँ, वाह, द लवर्स गाइस डेफिनेटली, ऊपर वाला आप दोनों का रीयूनियन करवाएंगे। अब राधा कृष्णा का काड़ा है, आप दोनों एक होंगे, आप दोनों अलग नहीं होंगे, रीयूनियन है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, नेगेटिव थे तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया गाइस, बहुत खूबसूरत कार्ड। गॉड की ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते पर, आप पर। द मून, यहाँ पे आपके पार्टनर कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलेंगे और आपके साथ प्यार दिखाएंगे, आपके साथ रीयूनियन करेंगे। द मैजिशियन, आपको ऊपर वाले से प्रे करते रहना है पूरे टाइम। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी है, नेगेटिव नहीं होना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। द हैंगमैन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके और आपके इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गहराई से। द फूल, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहाँ है कार्ड्स, द फूल एंड द फूल। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ वापस नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पे द लवर्स भी है, देखिए बहुत जल्दी नई शुरुआत होगी, रीयूनियन होगा। ऊपर वाला जल्दी ही आपके पार्टनर से आपका हमेशा के लिए पूरी तरह से रीयूनियन करवाया, आप दोनों एक साथ हमेशा बहुत खुश रहें। द स्टार, राधा कृष्णा के बाद में है तारा माँ की ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग होगी गाइस, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी, चमक आएगी। मैंने कहा था ना, बहुत बहुत बड़े, बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। एक कार्ड और बनता है, जस्टिस, देखिए जस्टिस होगा गाइस, कन्फर्मेशन है गॉड की तरफ से, आप दोनों के रिश्ते में जस्टिस ज़रूर होगा, आप दोनों एक ज़रूर होंगे, आप दोनों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। और बॉटम में देखिए क्या है, अर्धनागेश्वर, रीयूनियन होगा,
एक हो जाएंगे, आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शादी होगी जो सिंगल है और जो मैरिड है, जल्दी ही वो दोनों एक साथ रहने लगेंगे। ओके गाइज, इससे प्यारी तो रीडिंग क्या ही होगी, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। ऊपर वाला करें जल्दी ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में हो जाएं, और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो अपना प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ लव कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपना। बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।